और सरकार पर लगातार हमलावर है और कई आरोप लगा रहे हैं, लोगों को बचाने का, विधायक को बचाने का, अपराधियों को बचाने का आरोप आप लोगों पर लग रहा है। देखिए, घटना कहीं भी हो सकती है और अपराध अगर होता है या किसी की हत्या होती है तो इसकी जितनी भर्त्सना की है ये निंदनीय है। समाज में इस तरह की चीज को कोई बढ़ावा नहीं दे सकता है। लेकिन अगर इस तरह की घटना घटती है तो कानून अपना काम करता है, साक्ष्य मिलते हैं, उसके लिए कानून बना हुआ है, CRPC है, IPC है, पुलिस मैनुअल है, पुलिस अपना काम कर रही है, जांच में साक्ष्य जिस पर भी मिलेगा कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो बहुत साफ शब्दों में रिपीट किया है, कई उदाहरण है, अब उनको उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता है कि कौन समझाएगा उनको कि न किसी को बचाया जाता है और न किसी को छोड़ा जाता है। तो इसलिए जो अपराध करेगा वो जांच में जो भी पकड़ाएगा गिरफ्तार होगी, कानून अपना काम कर रहा है, कोई हस्तक्षेप नहीं है सरकार का, कहीं भी नहीं होता है हस्तक्षेप। तो इस तरह के इंडिविजुअल घटना की भर्त्सना जितनी की जाए वो काफी है, लेकिन इसकी राजनीति करना ये उनकी मानसिकता दिखाई पड़ती है कि उनकी मानसिकता क्या है, किस मानसिकता से ग्रस्त है वो। भाई एक घटना तो हुई नहीं है तो आपको तो बताना चाहिए, अगर एक घटना पर आप बोल रहे हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि घोसवरी गए थे आप मुकामा के, घुसवरी तो घुसवरी में गए थे तो कौन लोग हत्या किए थे उस पर भी बोलिए कि उन लोगों का नाम जरा लीजिए ना, एक लोग का नाम किसी का ले रहे हैं, साक्ष्य अगर आएगा तो जरूर उस पर कार्रवाई कोई भी करेगा, पुलिस तो जांच का विषय है, लेकिन वहां भी तो वो बोलिएगा कि कौन कौन लोग थे उसमें। जहानाबाद का रास्ता दिखा हुआ नहीं है, गया का रास्ता दिखा हुआ नहीं है, 6 मई को छिंदवाड़ा में हुआ हत्या, 23 मई को खिजरसराय में हत्या हुई उतरामा गांव में, तो यह सब दिखाई नहीं पड़ रहा है, कौन लोग करने वाले हैं उस पर भी जरा बोलिए, नाम लीजिए। तो घटना हम उसकी कोई नाम लेने की बात नहीं, हम करें घटनाएं होती है और जो घटनाएं होती है उस पर कार्रवाई होती है, पुलिस कार्रवाई करती है, अपने जांच करती है, जिस पर साक्ष्य मिलता है, जो अपराधी होते हैं उनको चिन्हित करती है, कार्रवाई करती है, हर मामले में कार्रवाई हो रही है। गोपालगंज मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई किया जो हमको जानकारी है, घुसवरी के मामले में भी पुलिस ने जो साक्ष्य मिला जिसके खिलाफ जो उसमें अपराध में शामिल थे उन पर कार्रवाई हुई। छिंदवाड़ा के मामले में भी गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो बचे हुए सबकी गिरफ्तारी होगी, तो कानून अपना काम कर रहा है, कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी का, उसके लिए मुख्यमंत्री को किसी को क्या दोष देना है, तो पुलिस मैनुअल है, इसमें मुख्यमंत्री कहां से आते हैं, पुलिस मैनुअल में जांच करने का अधिकार जांच अधिकारियों को है। लेकिन अब इतना ज्ञान रहे तब ना, ज्ञान कौन देगा, उधार मिलता है क्या, बाजार में बिकता है क्या, न उधार मिलता है न बाजार में बिकता है, तो ज्ञान कहां से लाइएगा भाई। कुछ जींस तो कुछ पिताजी का जींस आएगा ना जी शरीर में, तो पिताजी का जींस है, अब पिताजी का इतना भारी जींस आ गया उनके शरीर में कि नाबालिग रहते हजारों करोड़ रुपए के मालिक बन गए वो, ऐसा देखे हैं कहीं भाई। बिहार में कितने लोग होंगे जो नाबालिग रहते हुए भी हजारों करोड़ के मालिक बन गए, तो उस पर भी जरा बोलिए कि हम भाई नाबालिग थे, हम नाबालिगे में बच्चा जब थे तभी से हम व्यापार करने लगे और हजारों करोड़ बना लिए, सब बोलना ना चाहिए, सब कौन सुन रहा है। अभी बरसात आ रहा है, चुनाव आ रहा है, तो ये सब काम करते रहेंगे और बरसात के बाद फिर अंतर्ध्यान हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, कोई खोज के मर जाएगा कहां है, महीनों महीनों गायब रहेंगे। कोरोना में भी गायब थे, कोरोना में तो थे ही, कहां थे अब, अभी तो बड़ा भारी प्रवासी मजदूरों की चिंता जता रहे हैं, पूरा कोरोना संकट में मुख्यमंत्री जी अकेले जूझ रहे थे, यहां लड़ रहे थे,
सारी कार्रवाई हुई, क्वारंटाइन सेंटर बनाया उन्होंने, सब जगह प्रवासी मजदूरों को यहाँ लाया गया, सबको खर्चा दिया गया, और उसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर का खर्च दिया गया, और सबको जाने के बाद 5-500 जाने के साथ 5-500 रुपया दे के विदाई किया जा रहा है। कौन करता है? कहाँ हो रहा है? किस प्रदेश में हो रहा है? ये सब आपको नहीं समझ में आएगा, ये सब आपके समझ के बाहर की चीज है, जब माथा के ऊपर से निकल जाएगा, सब शिक्षित आदमी को समझ में आता है। लेकिन आपका जींस है, आपके पिताजी का जींस साथ में है, और जींस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सब समझ में नहीं आएगा उनकी। थाली बजाने के लिए अपील कर रहे हैं तेजस्वी और बाकी आरजेडी के नेता कि आप थाली बजाइए, बीजेपी की रैली कर रही है, तो जो मन में आवे सो करते रहे, कौन रोके हुए? प्रजातंत्र में किसी को कोई रोके हुए है? आपको तो बोले ना भाई, अभी बरसात का समय आने वाला है कुछ दिन में, तो चुनाव है, तो चुनाव के बाद फिर कहीं नहीं नजर आएंगे वो, चिंता नहीं करें। लोकसभा के चुनाव के बाद तो नजर नहीं आ रहे थे बहुत दिन तक, विधानसभा के चुनाव के बाद भी कहीं नजर नहीं आएंगे। एनडीए मजबूत है, एनडीए गठबंधन में चुनाव होगा, और ये लोग कहीं नहीं, सुपड़ा इन लोगों का साफ हो जाएगा। चुनाव लगता है कि समय पर होगा? कल चुनाव आयोग ने सभी डीएमएसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। देखिए, ये तो काम है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग का ये काम, और चुनाव आयोग का काम है चुनाव होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। 5 साल पूरा हो रहा है तो चुनाव होना ही चाहिए, हर चुनाव को समय पर होना चाहिए। महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव हुआ, बिहार में भी विधान परिषद का चुनाव करा देना चाहिए, पहले ही करा देना चाहिए। सर, जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में आप लोग जेडीयू भी इस तरह की रैलियां करेंगे? इस पर पार्टी अपना काम कर, वर्कआउट कर रही है, पार्टी इस पर नीति बना रही है, पार्टी इस पर रूपरेखा बना रही है, और मुख्यमंत्री जी तो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने पार्टी के नीचे के ग्राउंड स्तर तक, गांव स्तर तक के कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हैं। क्या है? वही चीज है ना जो आप सवाल आप पूछ रहे हैं, तो लगातार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मतलब बदली हुई परिस्थिति में जदयू पूरी तरीके से तैयार है? एकदम तैयार है, और हम लोगों से ज्यादा तैयार, जितना हम लोगों से ज्यादा जनता मन बनाए हुए तैयार है। बरसाती मेढक लोगों को उछलने से कुछ नहीं होना है, एक मौसम आता है बरसात का, जब वो मेढक उछलता है, और जैसे ही बरसात खत्म होता है वो हाइबरनेशन में चला जाता है, तो हाइबरनेशन में भी जाने का समय उनका आएगा। अभी बरसात है, चुनाव का माहौल है, तो बरसाती मेढक की तरह उछल रहे हैं, फिर हाइबरनेशन में जाएंगे।